जा रहे बाय फायर यीशु मसीह के नाम। बेस्ट देश, मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है बेस्ट देश आपके होंगे। मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है बेस्ट देश आप लोगों के होंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, थिंक अबाउट इट, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, क्यों उसने मुझे चुना। मैं आज ये नहीं कहता कि मैं बड़ा ठप्पी खान था और परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं बोलता हूँ मुझे बात करनी नहीं आती थी, मैं इतना डिप्रेस हो गया था, लोगों के सामने ताली नहीं बजा पाता था, मुझे पब्लिक की तरह इधर मुंह करना पड़ता था क्वायर की ओर ताकि मैं ताली बजा के आराधना कर सकूं, इससे बात नहीं कर पाता था। अगर कोई मौत की बात करता कि फलाने को हार्ट अटैक हो गया तो मुझे डिप्रेशन के अटैक होने लग जाते थे। मैं इस तरह का आदमी था, लोगों से बात करना तो दूर है, मैं लोगों के बीच में जाने को भी अभी तैयार नहीं था। मैं इतना डिप्रेस और इतना शैतान से ग्रसित, और अगर मेडिकल भाषा में बोलूं तो इतना मेंटली अपसेट के मुझे अटैक होने शुरू हो गए थे। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया, मैंने मैंने कमजोरों को चुन लिया, मैंने नीचों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो बड़ा समझते हैं उन्हें लज्जित कर सकूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो जो आप लोगों को चुन रहा है पंजाब में, इंडिया में, दुनिया भर में, उसका एक मकसद है, उसका एक प्लान है। उसने आपको ऊंचा करना है, उसने आपको बेस्ट बनाना है, उसने आपको सिर बनाना है, कर्जा देने वाले बनाना है। आप कर्जा देने वाले बनने वाले बहुत जल्दी, आप बिलीव करते हैं। मैं आज आपको सिंपल सरमन नहीं दे रहा, आज मैं आपको एक प्रोफेटिकली जो परमेश्वर के दिल की बात है आज मैं वो आप पे जाहिर कर रहा हूँ। मैं आत्मिक बातों से, जो पौलुस कहता है, आत्मिक बातों को मिलाकर आपको बता रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ जो बाइबल में लिखा है, और वो बता रहा हूँ जो परमेश्वर प्रोफेटिकली पंजाब के लिए और आप लोगों के लिए बता रहे। किसी के डराए मत डरना, क्योंकि आप बहुत ऊंचे होने जा रहे हैं। सुनो मेरी बात, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं कि आपको दबा लेंगे, आप इतना ऊंचे होंगे कि वो आपके सामने नीचे लगने लगेंगे यीशु मसीह के नाम। और आज की बात को नोट कर लेना, इस बात को लिख लेना, क्योंकि आने वाले समय में जो कंपैरिजन आपका होता है कि हम यहाँ और आप यहाँ, हम यहाँ होंगे फिर यहाँ होंगे फिर वहां होंगे, जहां से कंपैरिजन होना भी बंद हो जाए, इस बात को आप नोट करना। जो कुछ लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जब आने वाले 100 साल के बाद मेरा ये सरमन सुनेंगे, उन्हें मालूम होगा कि तब यहोवा ने हमसे बात की थी। आज हम सब ऊंची जगहों के ऊपर हैं, बेस्ट प्लेसेस के ऊपर हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने 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 सैकड़ों सालों का शोषण देखा है आपका, जिस तरह उसने इसराइलियों का देखा था। उसने आपके दुखों को देखा है, उसने आपकी बीमारियों को देखा है। औरत को तुच्छ समझा जाता था, पांव की जूती समझा जाता था। जब उसने पाप किया, बाइबल कहती है, तो औरत को ज्यादा श्रापित किया गया, औरत की वैल्यू को खत्म किया गया, उसे तरह तरह के तस्वीरों से निकलना पड़ा, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने गुनाह किए। औरत को भी इज्जत मिले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ठाना कि मैं आदमी और औरत से नहीं, अकेली औरत से आऊंगा और औरत की इज्जत को भी रिस्टोर करूंगा। अगर आज बहनें यीशु मसीह को मानती हैं, आपका पति आपकी इज्जत करेगा, आपका बाप आपकी इज्जत करेगा, आपका समाज आपकी इज्जत करेगा, आपकी चर्च आपकी इज्जत करेगी। आमीन। ऊंचा चाहिए, ऊंचा वाला। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरंथियों, अब मैं पढ़ूंगा 25 आयत, मैंने 26 से 29 पढ़ी है, 29 को पढ़ूंगा फिर 25 को पढ़ूंगा। 29 में लिखा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए कि मैं बड़ा खब्बी खान था जी, मैं तो फलाना था जी, मैं तो बड़ा तगड़ा इंजीनियर था जी, मैं तो बहुत तगड़ा ये फलानी जात का इंसान था, प्रभु ने मुझे चुन लिया। परमेश्वर ने कहा जब तू तुच्छ था, जब तू अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे था, जब तू सबसे नीचे था, जब तू बीमार था, जब तू कमजोर था, जब तू त्यागा हुआ था, मैंने तुझको चुन लिया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हर एक बंदा आके यही बोलेगा, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो परमेश्वर की दया से कर रहा हूँ, अगर ये मिरेकल्स हो रहे हैं तो यीशु मसीह का आत्मा इसे कर रहा है, अगर प्रीच कर रहा हूँ तो बाय ग्रेस कर रहा हूँ, अगर प्रोफेटिक वर्ड आपको दे रहा हूँ तो ये परमेश्वर की ग्रेस से मैं आपको दे रहा हूँ। आमेन। 25 आयत में लिखा, पहला कुरंथिया 1 उसकी 25 आयत, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों की ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है।
आप बोलोगे परमेश्वर की मूर्खता, क्या परमेश्वर भी मूर्खता करता है? बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती बुद्धि तो उसके पास थी जब परमेश्वर ने सब चीजों को रचाया, वो बुद्धि का करता है बाइबल कहती है। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत करता है बाइबल कहती है। इसमें परमेश्वर हमारी और आपकी बात कर रहे हैं। जब परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, वो आपकी बात कर रहे हैं। कहता तुम मेरी मूर्खता हो, कैसे लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं? क्रिश्चियन बन गए तुम मूर्ख हो, धर्म छोड़ दिया तुम मूर्ख हो, तुम लोगों की मनुष्यों की क्या हो? मनुष्यों के लिए मूर्खता। वो तुम्हें जीसस के मूर्ख कहते हैं, जीसस की मूर्खता कहते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरी मूर्खता, जो ज्ञानी बैठे हैं ज्ञानवान समझते हैं, तुम्हारा ज्ञान उनसे बढ़कर है, मनुष्यों के ज्ञान से वो ज्ञानवान है। उसने कहा और परमेश्वर की निर्बलता कि उसने निर्बल लोगों को चुना, मनुष्यों के बल से बलवान, जो अपने आप को बलवान समझते हैं उन्होंने अभी परमेश्वर का बल नहीं देखा। उस परमेश्वर का बल, उसकी लाठी, उसका जो थप्पड़ है, उसका जो हाथ है, वो अनदेखा है। उसके सामने कोई बचता नहीं, उसके सामने कोई पड़ा नहीं। उसने कहा तुम जो परमेश्वर की निर्बलता हो उनके बल से कहीं अधिक बलवान हो। आज से मैं आपकी लाइफ पे घोषित करता हूँ कि आप बलवान हैं। आपका परिवार पे घोषित करता हूँ कि आपका परिवार बलवान है। ओ आमीन। ऊंचाई ये बरकत आती है चर्च।